जेल को जिस दृष्टि से समाज में देखा जाता है उस दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है। जेल के अंदर सजायाफ्ता कैदी जो होते हैं, हर कैदी स्वभाव से क्रिमिनल नहीं होता। कई बार कुछ घटना ही ऐसी हो जाती है कि उनको अलग अलग प्रकार के गुनाह में उनका इन्वॉल्वमेंट आता है और सजा भी होती है। ये समाज को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि दंड ही नहीं होगा तो भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगी, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्वस्थ समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दंड की प्रक्रिया तो बहुत जरूरी है, परंतु जेल प्रशासन का जिम्मेदारी है जो स्वभावगत क्रिमिनल नहीं है, जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है, वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्थापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए, कारागार एक माध्यम बनना चाहिए और जेल प्रशासन इस दिशा में जाना चाहिए। जो जिनको सजा होती है इसमें से 90% कैदी ऐसे होते हैं जिनका समाज में पुनर्वसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल मैं मानवीय दृष्टि से नहीं कहता, ये कानून और व्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, और इस मीट के अंदर अनेक प्रकार की प्रतियोगिता होने वाली है जिससे पुनर्वसन की प्रक्रिया के लिए जो संवेदना कारागार प्रशासन के कर्मचारियों के अंदर, अधिकारियों के अंदर चाहिए, वो संवेदना की निर्मिति होगी। क्योंकि दंड ही नहीं होगा तो भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगी, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्वस्थ समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दंड की प्रक्रिया तो बहुत जरूरी है, परंतु जेल प्रशासन का जिम्मेदारी है जो स्वभावगत क्रिमिनल नहीं है, जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है, वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्थापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए, कारागार एक माध्यम बनना चाहिए और जेल प्रशासन इस दिशा में जाना चाहिए। जो जिनको सजा होती है इसमें से 90% कैदी ऐसे होते हैं जिनका समाज में पुनर्वसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल मैं मानवीय दृष्टि से नहीं कहता, ये कानून और व्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, और इस मीट के अंदर अनेक प्रकार की प्रतियोगिता होने वाली है जिससे पुनर्वसन की प्रक्रिया के लिए जो संवेदना कारागार प्रशासन के कर्मचारियों के अंदर, अधिकारियों के अंदर चाहिए, वो संवेदना की निर्मिति होगी।